पर्पज़ ही ये था कि मीडिया ख़ुद आके अपनी आंखों से देखे कि हम किस तरह से सनरिच फूड के तमाम प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग करते हैं और फूड सेफ्टी के मयार को मद्देनज़र रखते हुए नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपनी प्रोसेसिंग करते हैं। वी आर वेरी प्राउड कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ सनरिच फूड्स के पास पीसा मिल की स्विस टेक्नोलॉजी है, विच इज़ द ओनली मिल इन पाकिस्तान दैट प्रोसेसेस फ्लावर विदाउट एनी ह्यूमन कॉन्टैक्ट। इसी तरह से हम इसको आगे लेके चलते हुए रज़ायत से भरपूर ज़िंदगी की जब हम बात करते हैं तो ना सिर्फ अपने कंज्यूमर्स को बल्कि ऑल्सो द कम्युनिटीज़ दैट वी ऑपरेट इन उनकी तरफ भी हमारी रीच होती है ताकि हम बेहतर से बेहतर तरीके से पाकिस्तान को ताकतवर कर सकें। थैंक यू। टेक्नोलॉजी क्या है? पीसा टेक्नोलॉजी एक स्विस टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए विदाउट एनी ह्यूमन कॉन्टैक्ट पूरी प्रोसेसिंग होती है आटे की, and that is we are the only mill which is currently having this technology in all over Pakistan. डिवाइड किया जाएगा और आप लोग जाके पूरी फैक्ट्री की प्रोसेसिंग देखेंगे। एक चीज़ आप लोग जहन में रखिएगा कि इस वक्त सनरिच की ये जो फैक्ट्री है इसमें जो प्रोसेसिंग यूनिट लगा हुआ है वो एक स्विस टेक्नोलॉजी का प्रोसेसिंग यूनिट है, इट्स कॉल्ड पीसा मिल्स। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में किसी भी कंपनी के पास पीसा मिल्स मौजूद नहीं है, टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। सनरिच फूड्स इकलौती कंपनी है जो फ्लावर की प्रोसेसिंग के लिए, आटे की प्रोसेसिंग के लिए ये स्विस टेक्नोलॉजी पीसा यूज़ कर रही है। सो व्हेन यू गो देयर यू कैन सी कि कितने ज़्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी के चेक्स हर हर स्टेज पे डिप्लॉय किए जाते हैं ताकि जो फाइनल प्रोडक्ट निकले वो कम्प्लीटली सेफ और सिक्योर हो, उसमें किसी किस्म की मिलावट ना हो। और एक और चीज़ फॉलो करना होगा और दूसरा इन केस ऑफ एमरजेंसी हमारे यहाँ पे फायर एग्जिट मैप भी बन लगे हुए हैं और फायर एमरजेंसी एग्जिट्स भी बने हैं, उनकी साइंस को देख के आपने एग्जिट करना है। इन केस ऑफ फायर अगर कहीं फायर हो जाती है तो एमरजेंसी एग्जिट से निकल के आपने गेट पे आना है। यहाँ पर हमारा असेंबली एरिया है और उसके अलावा बाकी आपको जो है सेफ्टी इशूज़ अगर किसी को चाहिए होंगे या जो भी हैं तो वो सारे प्रोटोकॉल जो है आपको फॉलो करने होंगे जो भी पीपीज के हैं और सेफ्टी। शुक्रिया। बेहतर किया जा सकता है? देखें बेसिकली हम सब एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेशन की और इंकरेजमेंट की ज़रूरत है। जिस तरह के चैलेंजिंग टाइम्स हैं आज, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, सबसे पहले हमें फूड सिक्योरिटी पर काम करना चाहिए क्योंकि हमारे पास मुल्क में रज़ायती कमी की वजह से, ह्यूमन न्यूट्रिशन की वजह से हमारी आने वाले नस्लों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर आप देखें पाकिस्तान में
50% के करीब एक ही साइड में हो रहा है, इसीलिए साइड में आ रहा हूँ। आप इतना राजू बराबर आ जाए, हमने कोविड देखा, हम सिर्फ एक ही बात कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे कि हमारा सिस्टम खराब है। हम ये नहीं देख रहे थे कि हमारे सिस्टम को चैलेंजेस दिख रहे हैं। अगर आप फ्लड्स के ऊपर देखो तो पूरी क्रॉप्स डैमेज हो चुकी थी, और इसके बाद भी हम एंटरप्रेन्योर्स को ये चैलेंजिंग टाइम्स में जब गन्नों की शॉर्टेज है, स्टेबल क्रॉप्स की शॉर्टेज है, हमने ये इन्वेस्टमेंट किया, और इस इन्वेस्टमेंट के बाद आपको आटे की तरसील की गारंटी थी। अगर आप समरेश को देखेंगे तो समरेश में हर चीज़ के ऊपर कंसिस्टेंसी है, क्वालिटी के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, डिलीवरी के ऊपर, पैकेजिंग के ऊपर, हर जगह पे आपको एक टेक्नोलॉजी और एक रिसर्च नज़र आएगी। स्टार्टिंग फ्रॉम दी फैक्ट्री गेट, यहाँ से गंदम का क्लियरिंग, गंदम की डिस्चार्जिंग है, और आगे की पैकिंग तक आपको जीरो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है। मैंने कहा कि साफियों को देखा माशाल्लाह, मौसम भी बहुत अच्छा है, सब ब्लैक फ्रेश माइंड में भी, खासतौर पर ब्लैक फूड चाहता था आपको देखा कि आटे की फैक्ट्री के अंदर जहाँ आपको आटा कमीज पर ना लगे वो फैक्ट्री होती ही नहीं। तो चलती हुई फैक्ट्री के दौरान आप देखें माशाल्लाह कहीं से भी आपको आटे के ऊपर वो नज़र नहीं आया। फूड सेफ्टी मेजर्स को कंट्रोल किया गया, मैं फिर भी चाहूँगा वापस रिपीट करूँगा, लाइक टू थैंक यू अगेन ऑल टू यू, जो आपने इतना कीमती वक्त निकाला। सुबह माशाल्लाह सुबह 8 बजे से मैंने देखा, मुझे एक फोन जाकर मैंने पिक्चर्स भेजी थी, मैं इसीलिए थैंक यू करने के लिए आपको आया। थैंक यू।